नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं। हरियाणा रोडवेज वर्कर्स यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने मंगलवार को अपनी स्थानीय मांगों को लेकर सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक धरना प्रदर्शन किया। सर्व कर्मचारी संघ के सचिव महावीर पाई ने बताया कि हमने अपनी स्थानीय मांगों को लेकर बीती 20 फरवरी को अम्बाला डिपू की महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें महानिदेशक द्वारा पत्र जारी हुआ था कि जो भी कार्य निरीक्षक कार्य शाखा में काम कर रहे हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से बदला जाए, लेकिन कार्य निरीक्षक को नहीं बदला गया, जिसके परिणाम स्वरूप कार्य निरीक्षक द्वारा कर्मचारियों पर तानाशाही शुरू कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि कार्य निरीक्षक कर्मचारियों की जबरन अब्सेंट लगाना, ओवरटाइम का दबाव डालना आरंभ हो गया। मेरा नाम महावीर पाई, सचिव हरियाणा रोडवेज वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा। आज यूनियन ने 9 से 5 बजे तक एक दिन का धरना का कार्यक्रम है, क्योंकि इससे पहले हमने ज्ञापन के माध्यम से अपनी मांगे GM अम्बाला को भेजी थी। उनकी तरफ से प्रोसोडिंग भी जारी हुई थी, जिससे यूनियन संतुष्ट नहीं है। हमने उनका लिखित में जवाब दिया है और आज भी 12:30 बजे मैसेज आया है GM अम्बाला का, वो बात करने के लिए। और हमने उनको कहा कि हम बातचीत के लिए तैयार है, क्योंकि बातचीत से ही समस्याओं का समाधान होने वाला है। अभी देखते हैं 12:30 बजे जो बातचीत होगी उसमें क्या होगा। हमारी जो मुख्य मांगे ये हैं कि सरकार की तरफ से कार्य शाखा में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को बदलने के लिए, मुख्य रूप से जो DI है उसको बदलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन अम्बाला में इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उल्टा कर्मचारियों के ऊपर उत्पीड़न शुरू हो गया, कर्मचारियों की अब्सेंटें लगानी शुरू हो गई, उनकी अब्सेंट लगा करके उनकी किलोमीटर मिस करने की रिपोर्ट, उनको मेडिकल मान्य न करना, इस प्रकार की बहुत सी उत्पीड़न कर्मचारियों के खिलाफ। इसके अलावा कर्मचारियों से जो सरकार के आदेश हैं कि ओवर टाइम बंद कर दिया गया, 48 घंटे या 1200 किलोमीटर या 8 घंटे की ड्यूटी ली जाएगी, वो भी नहीं ली जा रही। कर्मचारियों को पूरे पूरे हफ्ता काम करवाया जा रहा है। और अभी समय सूचना मिली है कि जो सॉफ्टवेयर है वो भी बंद कर दिया गया है, वो जो 48 घंटे के बाद जो रेस्ट लगते थे वो भी लगने बंद हो गए हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट 1961 है, जो हमारी प्रोटेक्शन करता है ट्रांसपोर्ट के वर्कर की, कि 8 घंटे से ज़्यादा उससे काम नहीं लिया जा सकता एक दिन के अंदर, और 8 घंटे के बाद वो 5 घंटे के बाद उसको रिफ्रेशमेंट का उसके पास टाइम है। लेकिन हमारे कर्मचारी का उत्पीड़न लगातार बढ़ता जा रहा है, और स्थानीय लेवल पे जो, बल्कि नीचे के जो कर्मचारी हैं।